करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फ्लॉप होने के बावजूद स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 बनाने का लिया फैसला। लेकिन करण जौहर आखिर खुद क्यों नहीं करना चाहते इस फिल्म को डायरेक्ट? क्या करण को है डर फिर से कि वो हो जाएंगे ट्रोल? और किसे करण देंगे इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी? बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के तीसरे पार्ट को लेकर अपडेट सामने आया है। बता दें कि फिल्म का पहला पार्ट तो सुपरहिट रहा था, लेकिन दूसरा पार्ट बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बिल्कुल नहीं चला। इसके बाद भी फैंस इसके थर्ड पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। काफी समय से स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं। इसी बीच खुद करण ने इसे लेकर एक अपडेट शेयर किया है। एक रिपोर्ट की माने तो करण जौहर ने एक इवेंट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के बारे में जानकारी शेयर की है। अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि रीमा माया मूवी के तीसरे पार्ट को डायरेक्ट करेंगी। साथ ही करण ने रिवील किया कि इस बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर का डिजिटल वर्जन आएगा। रीमा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि फिल्म वो अपने तरीके से बनाएंगी, इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि वो रीमा माया के वर्ल्ड को देखना चाहते हैं। इस फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ समय पहले यह अफवाह उड़ी थी कि फिल्म में शनाया कपूर लीड रोल प्ले कर सकती हैं। बता दें कि करण ने शनाया, लक्ष्य लालवानी और गुरफतेह पिरजादा को लेकर फिल्म बेधड़क अनाउंस की थी। हालांकि बाद में ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण जौहर डायरेक्टेड फ्रेंचाइजी है। 2012 में आई पहली फिल्म में आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में थे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पांस मिला था। फिर 2019 में इसका सीक्वल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आया, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुटारिया लीड रोल में थे, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई।